लग रखा है यहाँ है ये है दुल्हन धारे में जा रही है नौ सुराने के लिए नौ सिवाने के लिए जा रही है। वो होता है ना पानी भर के लिए आते हैं। हाँ सर्प के ऊपर रख के लाते हैं गगरी, तो वैसी दुल्हन वहाँ नई नई दुल्हन आ रही थी। हम पहुँच गए हैं काफली खान, यहाँ से जागेश्वर को जाते हैं, जागेश्वर धाम की तरफ जा सकते हैं। लोहाघाट को जाम, जो लोहाघाट जाम का कह रहे हो यहाँ। हाँ हाँ वो देखो वो है घर, वो कितना बढ़िया लग रहा है। चाचा इधर सामने, इधर 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 है ना, ये घरों के पीछे। हाँ सुहा खान, इसके पीछे ही चाचा किराए में रहते हैं। हाँ शहर पाटक गांव भी हमारी जन्मानी वाला हुआ। 113 हल्द्वानी 113 किलोमीटर। हम इधर को जाएंगे, इधर 130 और 113 वो पर ज्यादा है, वो हलमुड़ में बाईपास से घूम के जाना पड़ता है ना, तो वो थोड़ा लंबा 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाता है बाजार से निकालने के लिए। यहाँ सफेद देवदार है, देखो सफेद टाइप का लग रहा है ना। देवदार के घने जंगल में हम लोग पहुंच चुके हैं और इतना सुंदर जंगल है। यहाँ से मम्मी ने चढ़ चढ़ के यहाँ से पूरा बाज काट के घर पहुंचा रखा है मम्मी ने गाय भैंसों के लिए, क्योंकि पूरा बाज का ही जंगल हुआ ना यहाँ पूरे, वहाँ घर तक है, घर तक। ये हम पहुंच गए हैं धसपड़, और इन्होंने जितनी भी अभी तक 5 सक की जो शिक्षा है वो यहाँ से ग्रहण करी है। Yes, ये मेरे बचपन का स्कूल है धसपड़। पैदल आते थे आप वहाँ से? गांव से अपने घर पे पैदल आते थे। तो अभी भी हल्दुचौड़ में याद करता हूँ, जोड़ता हूँ वहाँ पर। हल्दुचौड़ पढ़ा है इंटर कॉलेज में हमारा। ये सामने वाला पहाड़ है, ये वाला पहाड़ ये सामने। हाँ जो इसके जो खेत दिख रहे हैं ना यहाँ से लेके वो उधर दूसरे पहाड़, तीसरे पहाड़ और वो उधर पहाड़ के टॉप में घर है, ये सब हमारे गांव वालों की जमीन है। घर तो है, घर कहाँ है? हमारा घर नीचे इसके, वो आगे से दिखता है। मतलब तुम ले जाऊंगा कैसे, कहाँ ले जा रहे हो? वो बगीचा है वो आगे, बगीचा में ले जाओ। हाँ वहाँ है बगीचा, वो उधर वो हॉस्पिटल है वो दिख रहा है हमारे युवा पूरा। ये जो चेक दिख रहा है ना पूरा एक चेक पॉइंट, तार ये तार दिख रहा है, तार तार के सामने ऊपर पहुंच गए हैं हम लोग अपने गांव। अब आपको दिखाते हैं, ले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारी वीडियो पहले भी देखी होगी तो उनको पता होगा हमारे बगीचे के बारे में, और जो लोग हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए आज हम दिखाएंगे उन्हें। तो चलिए आज मम्मी को यहीं रख देते हैं ससुराल में, हम तो रह नहीं पा रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता है पैर में, कुछ नहीं होता है पैर तो पापा का एक्सरसाइज कर करके मजबूत बना दिया पापा ने, ज्यादा ही होगा तो एक डंडा तोड़ लेंगे। कुछ नहीं होता है यार, चलते रहो। जूते गड़बड़ वाले हैं ना, जूते मजा नहीं आता इन जूतों में। हाँ तो चलो ये पहाड़ों का आनंद लेते हैं। कैसा लग रहा है फिर पहाड़ में आके? कैसा चिता रहे हो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंद आ रहा है। कसहरा अच्छा तुम लीजिए, जमीन खरीद दी उन पे यहाँ बढ़िया सराधन मूवी में गाड़ी लाया रख लेते हैं। नहीं यार क्या धर दियो, धर दियो ले जाते हैं भैया डिग्गी में, मोर तो लगा दो वहां से।
यहाँ से जहाँ से रास्ता दिख रहा है चलते रहो। खुश आते हैं यहाँ के, अच्छा तो लगता है यार हमको ना, इधर ही अच्छा लगता है जब इधर आना होता है। ये मम्मी इसमें पूरी वीडियो देख लेगी, यहाँ सब मम्मी जहाँ जहाँ घास काटने के लिए आती थी। देख लो अगर नहीं तो यहीं से देख लो, थकोगे। ये काफल का पेड़ है, सूखे वाले सब सेब हैं। यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। ये मियो मियो नाशपाती का तरह होता है, नाशपाती का गोल नहीं होता। समझ गया, पानी बहुत होता है। ये देखो यहाँ आके जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता है, हमको तो कुछ ज्यादा ही आता है। हम दोनों को जब भी यहाँ आने का मौका मिलता है तो बस हम लोग आ जाते हैं। आलू बहुत अच्छे होते थे ना यहाँ, यहाँ आके आ जाती है अम्मा की याद। अम्मा देखी तो नहीं है हमने, लेकिन किससे सुने हैं इन्होंने तो देखी है, मैंने नहीं देखी है, किससे सुने हैं अम्मा के। वो दिख रहा है, देखो हाँ अभी वहाँ भी है, वो सामने भी एक इधर टप्पड़ है ना, वहाँ वो चाय के पेड़ लगा रखे उधर, वहाँ भी हमारा उधर। हिटो 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 मठो मठ हिटो मठो मत जानू। मकान की फोटो निकाल दी, वही जाएंगे फिर फोटो खींचेंगे बैठ के। बढ़िया, यही रहने वाले हो, यही रख देंगे आ तुमको। यहाँ हमको एक पौरा चाहिए ही ना, यहाँ मेरी नौकरी का क्या होगा, मैं तो अभी नौकरी की नौकरी हम कर लेंगे यार तुम्हारे बदले की। ये ठिठ ठिठिया, ये ठिठ इनकी आग जलाएंगे, चलो आग जलाएंगे, इनको ले जाएंगे। पहाड़ों में रास्ते बनाने पड़ते हैं, पहाड़ों में रास्ते होते नहीं है, खुद बना बना के चलना पड़ता है। डन हो गया पापा ने, देखो तो 5 मिनट भी नहीं लगा हमको, पहुंच गया हम ये खट्टा। पापा कह रहे हैं यही रहेंगे अब 5 साल के बाद। डन हो गया, डन है 5 साल के बाद, यहाँ देगा कौन हमको रहने के लिए। अरे दे देंगे यार तुम्हें, सब दे देंगे, समझी मना करेंगे क्या तुमको, थोड़ा सा दे देंगे यार। इतने में इतना बढ़िया, कितने कमरे हैं, 3 ऊपर है 3 नीचे है ना, इतने कम है, इतनी जगह है। ये 2000 स्क्वायर फीट होगा ये पूरा, ये 2 केन को मिला के। लेकिन अब तुम्हें बुढ़ापा आ गया ना, तो और तुम्हारा तो पैर का वो हो गया, इस वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, मम्मी भी नहीं है ऐसी, तो नहीं यहाँ रहने लग जाएंगे हम, आदत बन जाएगी। हाँ तो आदत बन जाएगी, बॉडी तुम्हारी फिट रहेगी जाएगी फिर तो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे में यही तो होता है। हाँ पहुँचा देगा, वहाँ जाओगे मिलने के लिए, तुम मिली आओगे कभी 1-2 किलो। हरी ऐसे बोल लो कि हम यही रह रहे हैं, हम तो खाना पहुँचा देंगे। अभी नहीं है ना यार व्यवस्था, जब होगी तब कह रहा हूँ, अभी थोड़ी। ये वीडियो में बोल दो सुन लेगा, मकान बनाएंगे तब। मुझे ये जगह पसंद आ गई है, अब मैं यही रह रहा हूँ, तू खाना पहुँचा। ये जगह पसंद आ गई है और जो है मेरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, 5 साल के बाद यही रहेंगे, डन डन। गड्ढे भी हैं यहाँ, ये उसमें ये फूल आ रहे हैं, नाचती है खुमानी है। ये क्या है, क्या कहते हैं, आलपोखर का है, आलपोखर का है ये बगीचा आपका ही था। ये पता नहीं किसका पेड़ है, तो मम्मी बताएगी देखेगी तो वीडियो, बोलो मैं सामने पता नहीं, उनको भी नहीं पता। नहीं, मैं तो जगह मत हरा, दूसरी की उसमें लड़ेंगे फिर हम।
काट के ले जा दे फिर डाम वालों के लिए। डाम वालों के लिए शिका का पेड़ लगाने के लिए बनाए ना, उस टाइम लगाए थे। वाह, ये गड्ढा आया है यहाँ पे। तो लास्ट टाइम हम लोग आए थे चचा पारस करण के साथ, और अभी हम आ गए हैं अपने ससुराल में मम्मी पापा के साथ। हैं हमने प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट कर दिया, जमीन दिखाने लाए हैं मम्मी पापा को अपना घर। हम जमीन दिखाने लेके आए हैं मम्मी पापा लोगों को यहाँ अपना घर। अब हमने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया है, तो आप लोगों को अगर जमीन खरीदनी है पहाड़ों में तो हमसे संपर्क कीजिए। चहा पीछा ओ बाबू, चहा पीछा चहा किले पी लियो, मेरे स्वराज आ रहा। अच्छा तुम चहा के लिए ना पीना, तुम तुम्हार लीजी चहा बनून इलायो भाड़ कौन सब छुनिया। सेम में फूल भी आने लग गए। आपके स्टार्ट हो गया? नहीं नहीं, वहाँ से हो गया स्टार्ट, जहाँ गड्ढे थे ना। मैंने यहाँ से ऐसा रहा हूँ, ये आपका ही जो है। हाँ हाँ, उधर गड्ढे से स्टार्ट हो गया। मतलब कितने भाई लोग थे आप, आपके पापा? ये आ गए हैं, पहुंच गए हैं ये पुराने घर में हम लोग। पापा लोग ये देखो, 40 नाली में 8 नाली एक केस से मारी। 8 नाली बहुत होती है, एक नाली कोई खतरनाक जानवर भी रह सकता। ये देखो 8 नाली बहुत होती है, एक नाली दो। अंदर का क्या हाल हो रहा है, ये टूट चुका है अभी के टाइम में, तो बहुत पुराना है। जानवर भी रह सकते, पहले अम्मा रहती थी यहाँ, तो अभी तो कोई जाता नहीं है। ये देखो ये नीचे वाला घर अच्छा है, वो अभी सुधार दिया ना। ये देखो पहले इसमें रहते थे, यहाँ मम्मी लोग आते होंगे, आलू आलू बोते थे। तो मम्मी देखेंगी हाँ अभी अब ब्लॉग में, तब पता चलेगा मम्मी को कैसा हो गया करके। मम्मी भी काफी टाइम से आई नहीं है यहाँ। ये देखो ऊपर ऐसा हो रही है, ये पहले ये होती थी कुंडिया, इससे लगाया करते थे ये दूसरे दरवाजे में। हर जगह पहाड़ों में पहले ऐसा होता था, लकड़ी छड़ गई है और ये पत्थर। देख 1.5 लाख का खर्चा है इसमें। बहुत अच्छा पसंद आया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, मजा आया, बहुत ही मजा आया। और आने वाले समय में हम 5 साल के बाद इधर ही रहना चाहते हैं। बनाओ टाइम से बनाओ, और हम यही रहेंगे, हम बस भक्ति करेंगे यहीं, फिर भगवान की भक्ति। मजा आ गया। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, हर महादेव। आ गए हम लोग घर से थक के, नीचे से आ गए हैं, अब बस रोड पे पहुंचने वाले हैं। थोड़ा चढ़ाई रहती है तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत जैसी होती है चढ़ने में, और फिर रोज की आदत के होते नहीं है तो सांस फूल जाती है सभी की। सांस फूल जाते हमारी क्योंकि इन लोगों को आदत नहीं है, हम तो फिर भी आदत है ही फिर तो, इसीलिए हम लोग आ गए हैं। मजा आया? बहुत मजा। हमारी शक्ल देख के आप मजा का अंदाजा लगा सकते हो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। हम दोनों जब यहाँ पे आते हैं हमें तो, अब इनको बुढ़ापा आ चुका है तो इनकी हालत खराब हो गई है, अब इनको पानी पिलाते हैं। पानी पीते हैं और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ये वहाँ से हम लोग आ गए, अब वहाँ पे आपको ले जाते हैं जहाँ से पैदल जाते हैं। यहाँ से है घर के लिए नीचे गांव में जाने के लिए रास्ता, और एक बुझा रहे हैं वहाँ से लोग को ले जाते हैं। ये देखो कितने बुरांस लगे हुए हैं, पूरे खिल गए हैं। आ गया इनका मौसम। ये तोड़ दिया, ये गुलाब मिल गया। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये गुलाब के फूल को, पुरोस के फूल को देख के, बड़ी सुंदरता यहाँ की, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। वाह मजा आ गया, लो गिफ्ट। ये चलो मम्मी को दो गिफ्ट, मम्मी को दो। आज बुरांस डे है आज।
तो तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, इसको तुम्हें जो है एकदम से तुम्हारे लिए मजा आ गया, पहाड़ का गिफ्ट मिल गया। पहाड़ का गिफ्ट मिल गया। घुटने में दर्द है वाले, घुटना टेक क्या है, घुटने में दर्द देगा। चले एक मिनट एक मिनट, अब कहाँ ले जा रहे हैं? अब यहाँ से हम जा रहे हैं घर देखने के लिए, रोड से दिखता है घर। हाँ हाँ वही वैसे काटने वाले थे। ये इधर है गांव, रोड से हम लोग देख रहे हैं, एकदम क्लियर दिखता है घर। वो बच्चों अम्मा का घर है यहाँ, ये बच्चों अम्मा का घर है इधर, ये बच्चों अम्मा का घर है, एक अम्मा हमारे वहाँ जो आई थी उनकी, उनका घर है। अच्छा तो लाल वाला दिख रहा हो, वो लाल दिख रहा हो, दिख गया हमारा है, वो जिसको तुमने वो नहीं दिया, वो अपना कोट। हाँ हाँ, अम्मा की बच्ची, उनकी लड़की, वो वाला, वो तो फुलदे में चढ़ाते हैं ये वाला फूल। ये देखो देसी से तो फुलदे चली है, फुलदे के लिए ले जाते, फिर क्या बोलते हैं ये वाले फूल का नाम, परसों है फूल, इतने फूल मिलते हैं देखो पहाड़ों में, आने का आनंद ही है। परसों है मैंने फूल दे के लिए फूल कर दिए, कुछ हमारे घर में है, कुछ ये है, कोई आएंगे तो उनको दे देंगे, फूल फूल दे ही फूल दे गई, चम्मा दई फूल दई किचू या ये पत्थरी की दवाई होती, पत्थर चट्टा है, पत्थर चट्टा। अच्छा ठीक ठीक, ये पत्थर पत्थरी की दवाई, वो दूसरा है, ये दूसरा है जो पंथनगर होता है, ये ओरिजिनल वाला पत्थर चट्टा है, देखो ना पत्थर, ये पत्थर में हुआ, ये पत्थर में होता है, देखो ये तभी इसका नाम पत्थर चट्टा होता है, ये नीचे पत्थर है, पत्थर को चाट देता है, पत्थर में पूरा पत्थर में ये चट्टा, ये पूरी जड़ है, दिखाओ ये जड़ खाते हैं, जड़ को ऐसे भिगाते हैं, मुंह में रखे रहो रखे रहो रखे रहो, बाद में लाल हो जाता है, ये है पत्थरी की दवाई। तो सारी दवाइयां इन पहाड़ों में मिल जाती हैं और यहीं से आती हैं शहरों की तरफ भी। कैसा लग रहा है पत्थर चट्टा, वो पत्थर में ही वो लगाओ। हाँ, हाँ। पत्थर में ही होता है, गमले ये पत्थरी की दवाई भी है, इसको रखो, इसको ऐसे खाते हैं, पत्थर में होता है, लगेगा नहीं ना, यहाँ ठंड में होने वाला है, ठंड में घर में गमले में लगाएंगे इसको, गमले में, फिर गमला चट्टा है, गमला चट्टा तो हमारा ही हुआ है, सब बंजर हो गया था, इधर उधर सब पूरा एक ही गांव हुआ है। अब हम जा रहे हैं धारे का पानी, नौले का पानी, नौले का पानी पीने के लिए। तो पहले यहाँ जब शादी होती होगी यहाँ पे आते होंगे नौले में? यहाँ नहीं, ये तो दूर है, ये नौला मंदिर है ना ऊपर एक, उसके लिए तो यहाँ पर ये नौला प्रसिद्ध इसीलिए हुआ, यहाँ पर एक बाबा ने तपस्या की थी, गांव के ही बाबा है, क्या नाम था उनका, ज्ञानगिरी बाबा है, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। ये देखो पानी है, नीचे से आता है खुद से, हाँ वो निकलना थोड़ा थोड़ा करके आता है, इकट्ठा होता है नीचे, जय जय हो भगवान, मैं इतने सालों बाद पानी पीने आ ही गया, अब मुझे बुलाते हैं ना, और फिर धीरे 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 करके पानी पीने से ज्ञान बढ़ेगा, यही का वासी बना देना, भर गया, इतना ठंडा हो रहा है ना, अभी गड्ढे में जगह भी ठंडी है ना, तो कैसा है, भरेगा नहीं, वो एक दिन भरेगा, भर गया है, पानी तो बहुत है नीचे है ना, गहरा है, लो पानी पियो, मेरे सरा सब पानी छियो, मेरे सरा जो खर देगा, मेरे सरा सब पानी पियो रे, गलेगा गलेगा नहीं करेगा, तत्व है ना उसमें, तत्व हो रहा है, ठंडा हो रहा है, बाप रे हाथ निकाला तो एकदम एकदम निकाला तो ठंडे हो गए हाथ भी, बाप रे मजा आ गया, लो ये है डोल आश्रम, ये यहाँ पे शिव जी जी कितने बड़े हैं, अंदर चले अंदर चले अंदर अंदर, हम लोग डोल आश्रम यहीं से देख ले रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, वो शिव जी है वहाँ पर, वो उसका भी कारण है, इतने बड़े शिव जी है वहाँ पर, क्या कारण है, हम क्यों नहीं जा रहे हैं अभी,
कुछ खा रहे हैं। ये हम खा रहे हैं ककड़ी, भिन ककड़ी करके। बिना भिन ककड़ी करे हुए ककड़ी खाने का आनंद नहीं होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अगर भिन ककड़ी नहीं करते हैं हम ऐसे 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 और ऐसे, इसे भिन ककड़ी बोलते हैं, तो कड़वी होती है। इसलिए भिन ककड़ी करके देखना कितना निकलेगा। भिन का मतलब जीजाजी कड़वे होते हैं। ये देखो कितना निकला है, वाइट वाइट, ये कड़वापन होता है इसका। देर को उठाने भी नहीं देगी कपड़े। हरिया काकर खजली लूड़ा सिल में ओ हरिया, हरने सिल में ओ हरिया काकर खजली लूड़ा सिल मेरा दिल में ओ तेरी माया खजली लूड़ा सिल में हरिया काकर खजली लूड़ा सिल में तेरी माया पड़ी रची मेरा दिल में मैं बाग लगाऊ नाम की बजेरा मेरे बाग रे री बाग की रटना दर बाग रे हो। ओ रेडियो का मजा लेते हुए हम लोग यहाँ पे आनंद कर रहे हैं पहाड़ में। वाह मजा ही आ गया। तेरे पा बाग रे तेरे भीतर बाग एगो तेरे पा बाग रे। बढ़िया सफर रहा हमारा, मजा आ गया, आनंददायक मजा आ रहा है ड्राइवर साहब। बहुत ही बढ़िया अपनी साइड।